सऊदी अरब में पकड़े जाने वाले जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स का मामला वजारत दाखिला के हुक्म पर नादरा हुकाम ने सऊदी अरब में पकड़े जाने वाले अफगानियों के 12,500 जाली पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड पर बाज़ाबता कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 12,500 अफगानियों को सेक्शन 18 का नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर ही बात करते हैं सुनो न्यूज के नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, बताइएगा क्या मामला है ये और अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जाली पासपोर्ट का जो मामला था, जो जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का मामला था, 12,000 जो अफगानी पासपोर्ट सऊदीया से आए थे उसके ऊपर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया और सेक्शन 18 के तहत जो है उनको नोटिस करने का फैसला भी किया गया है। अफगानियों को इस्लामाबाद जो सेंटर थे नादरा के, वहां से तकरीबन 593 के करीब जो कार्ड है जाली वो जारी किए गए थे और कोयटा और पिशावर से तकरीबन 5,500 कार्ड अफगानियों को जारी किए गए। नादरा हुकाम ने सऊदी अरब में जो पकड़े गए 12,500 के करीब जो जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड थे, इस पर अफगानियों पर बाज़ाब्ता कानून की कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है और इसके साथ जो क्वेटा, कराची और लाहौर, इस्लामाबाद और पिशावर समेत तमाम जो सेंटर थे उनके मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जो सऊदीया से जो 12,000 के करीब जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पकड़े गए थे उनकी जो उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई थी उसको मनसूख किया जाएगा और उसके बाद सऊदीया से पकड़े गए अफगानियों के पासपोर्ट पे जो उनके कार्रवाई शुरू की थी उसके बाद अब मजीद जो है हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी अमल में आए। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।